Dear students, good morning all of you. Today I will teach you very interesting topic, maths. Firstly, we will revise the maths. जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं क्लास सेकेंड के लिए. तो चलिए हम जानते हैं. पहले मैं आपको प्रीवियस नॉलेज के बारे में, कुछ पूर्व ज्ञान के बारे में बताऊंगा, इसके बाद आपको टॉपिक पे ले आएंगे. चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, नंबरों की संख्या होती है, रियल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये रियल नंबर होते हैं. और एक शब्द की खोज और की गई थी, वो है जीरो. इसके बाद जितने भी शब्द हैं, इन्हीं नंबरों की मदद से आगे के नंबर बनाए जाते हैं. जैसे मैं कहूँ 1 0 10 1 1 11 1 1 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16. इस प्रकार से आप 100 तक लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. और यदि किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो अपना रिवाइज कर सकते हैं, या डिस्कशन मीटिंग में आप पूछ भी सकते हैं, या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. आप देखिए, जैसे मैंने आपको 1 2 के बारे में बताया, इसकी आप चाहें तो इसकी स्पेलिंग के रूप में भी लिख सकते हैं. जैसे 1 ONE 1 2 TWO 3 THR 3 4 FOUR 4 5 FI VE 5 6 SIX 6. तो 7 SEVEN SEVEN EIGST 8 NIN E 9 TEN 11 ELE VE 13 THI RTWEN 13. इस प्रकार से इन नंबरों को आप जान भी सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. अब देखिए, चलिए हम आपको जैसे कि प्रीवियस नॉलेज करा चुके हैं, अब चलिए आपके टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं. इन योर ओपन योर पेन नंबर 1, हेयर इज रिटन, यहाँ पर लिखा हुआ है, वी नो दैट द लेफ्ट डिजिट ऑफ एनी टू डिजिट नंबर इज ऑफ टेंस एंड राइट डिजिट इज ऑफ वंस, सो वी रीड 67 as 67. सो डियर स्टूडेंट, सपोज दैट कोई भी डिजिट है, सपोज करते हैं मैंने 97 लिया, तो ये वाला प्लेस वंस का होता है, ये वाला प्लेस टेंस का होता है. ये तो टू डिजिट की बात हुई. सपोज करते हैं थ्री डिजिट होता है, तो वंस टेंस हंड्रेड,
तो आप 729 ऐसे लिखें तो ये होगा 927 हो जाएगा। सपोज करते हैं 4 डिजिट है तो 1s, 10s, 100 और ये 1000 हो सकता है, तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं 7, 4, 8, 7 तो ये हो जाएगा 7847। लेकिन ये याद रखिएगा ये 1s डिजिट लेफ्ट हैंड साइड रहेगी, 10s लेफ्ट हैंड साइड, 100 लेफ्ट हैंड साइड, 7 राइट हैंड साइड। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, हम आगे भी लिख सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore आगे के डिजिट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज जैसे आपकी क्लास है उस प्रकार नंबरों को हम कम संख्याओं में लिखते हैं। अभी हम आपको 10th नंबर तक के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं ये 7 डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट है और 9 डिजिट है वो राइट हैंड साइड के डिजिट है। यही आपको बताया गया है, वी नो दैट द लेफ्ट डिजिट ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स इज 10th, ये वाला 10th प्लेस में है तो राइट साइड होगी, कौन सी साइड है, राइट साइड है, और 1 डिजिट है तो लेफ्ट साइड है। ओके डियर, चलिए आगे देखते हैं। राइट द नंबर नेम ऑफ द 20 नेम ऑफ द गिवन न्यूमरल्स, राइट द नंबर नेम। अभी तक जैसे मैं रिवाइज करा चुका था आपको 1 to 100 नंबर तक, जब मैंने 1 to 100 नंबर तक कराया था तो आपको मैंने नंबरों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, फिर उनके नंबर नेम भी आपको बताए थे। तो चलिए नंबर नेम आपको ऐसे लिखने हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से आप नंबर नेम लिख सकते हैं किसी भी डिजिट का। सपोज दैट 25 दिया गया है, 25 दिया गया है, क्या दिया गया है 25, तो 25 2 5 25 इसकी स्पेलिंग लिख देंगे आप 25 25 25 को राइट इन वर्ड्स TWENTY 20 FIVE 25। इसी तरह बी में 70 लिखा हुआ है 70 SEVEN 70। इसी प्रकार सी में लिखा हुआ है 48, तो आपको लिखना है FORTY 48 EIGHT 48। ठीक है, इसी क्रम में आप इसको लिख सकते हैं। ट्वेंटी एट सिक्सटी सेवन फोर्टी फाइव नाइन्टी एट वन हंड्रेड आप इन्हें राइट इन वर्ड्स में लिख सकते हैं।